तो ये इसका बैकग्राउंड है कि जो भी आपका तीन मेजर जगहों से ट्रिगर होता है तो बाकी सारा जो पूरा सिस्टम है आपका का वो वहीं से चल रहा होता है सारा। मैंने कहा में तीन हिस्से हैं बॉडी उसमें से जो मेन हिस्सा आफ्टर द ब्रेन इज दैट इज स्पाइनल उसमें वर्टेब्रज में एज एज गो इन एजिंग प्रोसेस तो वो एक नेचुरल सिस्टम है कि उसमें कुछ चीज़ों में कमी आ जाती है हमारा स्ट्रक्चर तो बोन्स का है ना तो इसको रोज़ाना खुराक से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर एग्जांपल कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड और असेंशियल चीज़ उसमें ये है वाइटामिन डी बिल्कुल वाइटामिन डी हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू द सन रेज जब वो पड़ती है अच्छा इसमें अब यहाँ पे आके थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेशन चाहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम अब ये यंग एज में भी शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन द मॉडर्न साइंस जी ऐसे और uh, हमारी आदात की वजह से मेरे ज़माने में तो बचपन में स्वाये फील्ड गेम होंगे कुछ नहीं, नहीं, नहीं है, है। जिस तो तरह फुटबॉल हॉकी वॉलीबॉल बास्केटबॉल और इस तरह की चीजें होती बिल्कुल लेकिन आज तो बच्चे एक गाड़ी से निकलते हैं स्कूल में चले जाते हैं फिर आके फिर घर में बैठ जाते हैं टेढ़ा कभी लैपटॉप पे कभी मोबाइल पे और सनरेज का एक्सपोजर की और फील्ड गमों की आदत जो है बहुत कम परसेंटेज में रह गई और अगर अल्लाह ताला के नेचुरल नेचुरल निज़ाम जो हमें दिए उससे अगर मुताबिक रहे मैं मिसाल देना चाहूँगा अगर आपके घर में घास हो या जो लोग विलेज आपके नाजरीन हैं अगर फसल पे धूप ना पड़ने दें उसको खाद पानी भी देते रहें तो फ्लरिश नहीं करते कर सबज भी नहीं सिमिलरली हमारी जो असेंशियल चीज़ें बोन की है कैल्शियम फॉर एग्जांपल मेजर पार्ट है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती जब तक एक रेक्स विध वाइटामिन जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्सन तो जब ये चीज़ें कमी आ जाती है तो बोन्स में डिजेनेटिव चेंजेस आने लगती हैं वीक होने लगती हैं बोन्स जब बोन्स वीक होंगी नर्व कम खिंचाव पैदा करेंगी तो उससे फिर डिस्केम्बल्ज हो जाती हैं बिटवीन एवरी टू वेब्रश जो हैं और जब डिस्कम्बल्ज होंगी तो देर विल बी कंप्रेशन ऑन द एग्जिटिंग नर्व रूट्स और फिर वो पार्ट बॉडी का अफेक्ट होना शुरू हो जाता है जिसमें ये कंप्रेशन आ